नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं रोज़ की तरह, हमेशा की तरह फिर से एक नया प्लान आपके लिए लाया हूँ। और अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और नहीं भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, ये प्लान समझ लेते हैं। प्लॉट का साइज़, हमारे प्लॉट का साइज़ है 24 फीट। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें 24 फीट है और यहाँ से यहाँ तक हम 57 फीट है, मतलब 24 बाय 57 का यहाँ पे हमारा प्लॉट है, 24 बाय 57। तो देखिए, रोड जो है हमारा, रोड एक ही रोड है। देखिए, ये फ्रंट साइड में, इस साइड में हमें हमारा रोड है और बाकी ये साइड में देखिए दूसरों का प्लॉट है, पीछे भी दूसरों का प्लॉट है और इस साइड में भी दूसरों का प्लॉट है। तो इस प्लान में, इस प्लॉट में देखिए हमने 2 BHK प्लान बिठाया है और इस साइड में देखिए 3 फीट का पैसेज छोड़ दिया है, पीछे 3 फीट का पैसेज, 3 फीट 3 इंच का पैसेज छोड़ा है। और इस साइड में देखिए, इस साइड में कोई भी पैसेज नहीं छोड़ा है, ये पूरा हमारे बाउंड्री पे वॉल लिया है, तो हमें इस साइड में कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। तो देखिए, इस प्लॉट की डायरेक्शन देख लीजिए पहले आप। देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाएगा। देखिए, ये जो है डायरेक्शन ईस्ट साइड है, देखिए ईस्ट साइड प्लान है। और इस साइड के हिसाब से देखिए, वास्तु के हिसाब से यहाँ पे हमारा किचन, यहाँ पे हमारा किचन आ रहा है। तो सिंपल सा प्लान है। देखिए, 24 फीट फ्रंट है हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रोड से हम स्टार्ट करते हैं, एंट्री करते हैं तो हमारा पार्किंग का एरिया मिल रहा है हमें। देखिए, पार्किंग का एरिया जो है लगभग हमें 13 फीट 6 इंच का, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंच का मिल रहा है और यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 3 इंच का मिल रहा है, मतलब लगभग यहाँ से यहाँ तक 13.5 और यहाँ से यहाँ तक 13.5 के आसपास हमें एरिया मिल रहा है। इसके बाद में देखिए, हमने सामने देखिए एक गार्डनिंग के लिए यहाँ पे 6 फीट का जगह छोड़ा है। देखिए, 6 फीट का यहाँ पे हमें पैसेज मिल रहा है, वो गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पीछे देखिए 3 फीट का पैसेज है हमें, जो स्टेयरकेस की तरफ हमें हमारा पैसेज यहाँ पे स्टेयरकेस की तरफ जा सकता है। देखिए, यहाँ से इसकी लैंडिंग के नीचे से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएंगे। मतलब ऊपर का प्लान जो है सर, ऊपर का जो पूरा फ्लोर है हम रेंट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरी फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं, इनको, इस नीचे की फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस टाइप में यह सिंपल सा बढ़िया सा प्लान है और अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं स्टेयर के। देखिए, यहाँ पे हमने डोर ओपन किया तो यहाँ से हम स्टार्ट करके फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। तो मतलब दोनों तरफ से हम स्टेयर के यूज़ कर सकते हैं, रेंट के हिसाब से भी और अंदर हम हमारे हिसाब से भी। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ओटा दिख रहा है हमें, वरांडा आ रहा है, हम यहाँ पे आ रहे हैं इस ओटे पे और यहाँ पे हम हमारा ये मेन डोर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे रेड कलर में जो है वो मेन डोर है और मेन डोर से देखिए एंट्री करते हम तो हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम का साइज मिल रहा है हमें 15 फीट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट, मतलब लगभग 15 बाय 10 का हमें लिविंग रूम मिल रहा है। और फ्रंट में देखिए, ये यहाँ पे बड़ी से बड़ी साइज़ में हम विंडो रख सकते हैं क्योंकि इस साइड में हमने पैसेज छोड़ा है और इस साइड में हमारा रोड है। तो इस लिविंग रूम के लिए देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा एक बड़ा विंडो हम रख सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो पैसेज मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमें WC मिल रहा है और बाथरूम, ये बाथरूम मिल रहा है जनरल। तो देखिए, लिविंग रूम के जो भी मेहमान है हमारे, जो भी बैठे हुए कोई भी बाहर वाले जो भी रहेंगे, तो उनको इधर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, WC और बाथरूम यहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बाथरूम WC है 3 फीट 2 इंच बाय 4 फीट का है और जो बाथरूम जो है देखिए जनरल 6 फीट बाय 4 फीट का है, जनरल साइज़ है बाथरूम की और WC की। इसके पीछे देखिए यहाँ पे OTS लिखा है, मतलब ओपन टू स्काई। यहाँ पे हम ओपन टू स्काई रखेंगे, मतलब यहाँ पे स्लैब नहीं डालेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर से हमें ओपन रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे वेंटिलेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे विंडोज़ रखा है, यहाँ पे एक वेंटिलेटर रखा है, यहाँ पे एक वेंटिलेटर रखा है। तो इन तीनों को वेंटिलेशन इस डक से मिलेगा, ठीक है, ये ओपन टू स्काई है। तो देखिए, इसके बाद में ये जो पैसेज मिल रहा है, देखिए हमें 3 फीट 8 इंच का यहाँ पे यहाँ तक हमें जो गली मिल रही है अंदर के अंदर यूज़ करने को, जो स्टेयर किस की तरफ जा रही है। और उससे पहले देखिए, हम किचन में एंट्री करते हैं, यहाँ से लिविंग रूम में, हमारे लिविंग रूम के नज़दीक ही हमारा किचन का डोर आ रहा है तो हम किचन में एंट्री करते हैं। देखिए, किचन का साइज़ है 9 फीट 2 इंच बाय 13 फीट 9 इंच का है, मतलब लगभग 9 फुट 2 इंच या बाय 13 फीट 9 इंच का है हमें किचन मिल रहा है, जो किचन कम डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डाइनिंग टेबल बताया है, यहाँ पे हमारा किचन ओटा रहेगा, यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से 2 विंडो दिया है। देखिए, यहाँ पे एक विंडो दिया है, यहाँ पे भी एक विंडो दिया है।
तो देखिए यह विंडो भी हम दो विंडो भी रख सकते हैं, आप एक भी विंडो रख सकते हैं, यहाँ पे डोर भी रख सकते हैं वॉश एरिया के लिए, यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए नीचे यहाँ पे वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डोर भी रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हम, तो हमें स्टेयर किस की तरफ का डोर मिल रहा है। देखिए हम स्टेयर किस का डोर ओपन करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर जाएंगे और हमारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, देखिए जहाँ गौर से देखिए यह जो स्टेयर केस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे बेडरूम में आ रही है। देखिए ये ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये लगभग लगभग 7 7 7 फीट के हिसाब हाइट के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से जो ऊपर का पोर्शन रहेगा तो ये हमारे रूम में देखिए बेडरूम में से नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वॉल रहेगी तो बेडरूम में से नज़र तो स्टेयरकेस नहीं आएगी, लेकिन यह पूरा पैक एरिया रहेगा। लेकिन स्टेयरकेस जो है हमने इस बेडरूम में लिया है तो स्टेयरकेस का पूरा नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो पूरा पार्ट आता है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं और अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे इस बेडरूम का साइज़ बढ़ रहा है, लगभग 16 फीट 5 इंच बाय 9 फीट 6 इंच का मिल रहा है, मतलब 16.5 बाय 9.5 का यहाँ पे हमें बेडरूम मिल रहा है। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए ये स्टेयर केस जो है हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, अंदर से इस स्टेयर केस का पूरा पोर्शन जो है हम अंदर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वॉल रहेगी बाहर से, मतलब हम इस स्टेयर केस से देखिए यहाँ से हम बाहर से आ जाएंगे तो इस स्टेयर केस इतना ही हमें पोर्शन रहेगा, इसके नीचे से हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये डोर रखा है, यहाँ से हम स्टार अंदर से आ सकते हैं, यहाँ पे से ऊपर जा सकते हैं। तो इस टाइप में यह स्टेयरकेस है, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया है। उसके बाद में देखिए इस डोर से हम बाहर निकल रहे हैं बेडरूम से, तो हमें दूसरा डोर मिल रहा है। दूसरा डोर जो है हमारी एक मास्टर बेडरूम का है। मास्टर बेडरूम इसलिए कह रहे हैं हम इसको हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है। देखिए 6 फीट बाय 4 फीट का, मतलब 6 बाय 4 का यहाँ पे हमें अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल रहा है। उसके बाजू में देखिए बाथरूम के सामने ही हमें वार्डरोब मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक वार्डरोब है, मतलब हमारे कपड़े वगैरह जो भी है हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। साइज़ भी देखिए 9 फीट 8 इंच बाय 13 फीट का है, मतलब 9 फीट 8 इंच बाय 13 फीट का हमारा मास्टर बेडरूम आ रहा है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो पैसेज है उसमें टॉयलेट बाथरूम और अटैच टॉयलेट बाथरूम और ये कबर्ड जो वार्डरोब है, मतलब कबर्ड जो भी है आप जो भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे हम कपड़े वगैरह हम अपने रख सकते हैं। तो इस टाइप में यह सिंपल सा मास्टर बेडरूम आ रहा है। उसको पीछे देखिए, पीछे भी एक विंडो रखा है क्योंकि पीछे हमने 3 फीट 3 इंच का पैसेज छोड़ा है, तो वेंटिलेशन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बेडरूम को भी वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से 2 विंडो दिया है, क्योंकि पीछे भी 3 फीट 3 इंच का पैसेज छोड़ा है, इस साइड में भी 3 फीट का पैसेज छोड़ा है। तो इस टाइप में यह सिंपल सा 24 फीट बाय 57 फीट का यहाँ पे हमें प्लान मिल रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया प्लान है, आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान पूरा क्लियर समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि यह प्लान आपके काम का है या आपके काम का नहीं भी है, तो किसी न किसी के यह काम का है, हो सकता है करोड़ों लोग हैं दुनिया में और सबकी चॉइस अलग है, सबका रिक्वायरमेंट्स अलग है, सबका प्लॉट का साइज़ भी अलग है। तो हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो, किसी को अपने सपनों का प्लान मिले। तो प्लीज़ यह प्लान शेयर कीजिए और हमारा हर वीडियो आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के अंदर जाइए और वहाँ के सारे वीडियो आप चेक कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लगभग हज़ारों की तादाद में हमने प्लान्स और डिज़ाइंस ऑलरेडी डाल रखे हैं। हो सकता है आपके सपनों का प्लान और आपके चॉइस का प्लान यहाँ पे ऑलरेडी हमने डाल रखा है, और अभी तक आपका प्लान नहीं भी आया है तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम लगभग और भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिज़ाइंस लाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल का आइकन भी उसके बाजू में का सब्सक्राइब के बटन के बाजू में का जो बेल का आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, क्योंकि हम जो भी नया प्लान्स और डिज़ाइन डालेंगे तो वह उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और वह प्लान आप तक पहुंच जाएगा। तो किसी और के फायदे के लिए प्लीज़ यह प्लान शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल पर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आके उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनका भी कुछ भला हो सकता है, और दूसरों की भलाई में हमारी भलाई छिपी होती है। तो प्लीज़ दूसरों की भलाई कीजिए और इस चैनल पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को लाइए और ये चैनल के सारे वीडियो आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर रहे तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पिछले सारे वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान समझ में आया है और आप ने आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।
तो मिलते हैं, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।